ऐसे दोस्त, मेरे भी हालत कुछ बढ़िया नहीं है। चलो आप भाई साहब, हालत ख़राब हो गई, बैग के अंदर है। ओ भाई, एक लाइन है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल सच बात है। अरे पहाड़ी भाई बेचारे पेट के लिए थक गए। ये देखिए इनका पेट। ये है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की वाटरफॉल है, इसके बाद ये नेक्स्ट लेवल है, बट जो कि हम बहुत ऊपर तक आ गए, हमें और ऊपर जाना है। चले चलो 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 चलो, यहाँ खाली है, ऊपर खाली नहीं लगे तो नीचे आ जाएंगे। आ जा, चलो चलो। ये हमारा भाई जंगल में पैदा हुआ। 100-200 मीटर होगा। वही अनिल को देख के मोटिवेशन आती है, लेकिन क्या करें, सांस चढ़ जाती है। हाय, वो देखो चलो आ जाओ। ये देखो भाई, दो बंदे वही रुक गए, किसी ने बोल दिया कि ऊपर भीड़ है। मेरे को नहीं पता सच में भीड़ है नहीं है, बट भाई मेरे हिसाब से इतना आ गया तो भाई और थोड़ा है और ज़्यादा हो, जो भी हो चढ़ जाना चाहिए। कम भी कम धीत नहीं है, एक बंदा ऊपर है, ऊपर पहुँच गए, मैं इधर बैठा हूँ। और बुला लिया भाई को, आना तो पड़ेगा, इतना मेहनत कर लिया, थोड़ा सा मेहनत कर लो। हालत खराब होगी भाई, आप लोगों ने नींबू का शरबत पिया होगा, नींबू नीचे होने के बाद जो हालत नहीं होती नींबू की भाई, वो हाल बन गई है। एक हिसाब से ट्रैकिंग हो गया, एकदम ऊपर जो पहाड़ देख रहे हो पीछे, इसके एकदम ऊपर पे चढ़ना पड़ा। उन्होंने फायदा उठा लिया। कुछ नहीं, ऊपर गाँव है, गाँव से पहले एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ पे क्या बड़ा नाव, प्राइवेट में कुछ नहीं है, साफ पानी बिल्कुल साफ, जिसको बोलते ना, बस वहाँ पे कुछ खाने पीने का लेना पड़ता है। मतलब सेम जगह जो वाटरफॉल का है, एक और प्राइवेट है, ऊपर कुछ नहीं है, यही लास्ट है, बट है ऊपर, अलाउ नहीं करते, बट किस्मत की बात है, इन लोगों को अलाउ कर दिया, बस यही है। और अभी हम निकलेंगे गुड़गांव के लिए, बस
वेदर है। और आगे Thank you.